माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, मंजर देखो, खूबसूरत ब्रिज। अस्सलाम वालेकुम भाई, डे 3 रात को अहमदाबाद में स्टे किया था वहाँ से, और जवाद भाई के हमने स्टे किया है और जाना जवाद भाई, बड़ा थैंक यू यार आपका, इनके यहाँ जवाद भाई के यहाँ स्टे किया हमने अहमदाबाद में। अब यहाँ से हम निकलेंगे बांसेरा और फिर उसके बाद चिल्लास बिशाम वगैरह से होते हुए, तो अहमदाबाद से अब शुरू हो रहा है 3 दिन का सफ़र। ठीक है, चलें जवाद भाई, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दोबारा। चलें गुड़िया, और ये जो है ना हमारी एक प्यारी सी गुड़िया है। बहुत शुक्रिया जवाद भाई आपका मेहमान नवाज़ी। हाय करो ऐसा करो, तो ये जो प्यारी सी गुड़िया है ना माशाल्लाह, इतनी बड़ा साथ दिया। चलते हैं हम आगे की तरफ वाला भाई। राइट नाउ एट मिसाइल चौक, अभी देख रहो अहमदाबाद वालों ने ना गौरी मिसाइल खड़ा किया भाई, तो इस वक्त आपका भाई मिसाइल चौक पर है। अब यहाँ से आगे निकल रहा है सफ़र, तो मुझे मिसाइल नज़र आया, मैं उधर रुक तो मिसाइल ही देख लूँ भाई, मुझ में कोई तो काम की चीज़ है हमारे, तो अभी चलते हैं आगे यार, थक गए बड़ा। और सीन क्या है कि भाई एक चीज़ का ख्याल रखना है लाजमी, कि मैं अभी वापस मिसाइल चौक इसलिए आया हूँ कि मैं अपना वॉलेट भूल गया था, जहाँ हमने जवाद भाई के यहाँ स्टे किया था वहाँ अपना वॉलेट भूल गया था, तो मुझे तकरीबन पूरे 1.5 किलोमीटर उनका फ़ोन आ गया, तो वरना जो है ना पूरा पाकिस्तान टूर बगैर कागजात के होता सब कुछ, तो ना वॉलेट था ना कुछ था। तो कभी भी कहीं रुको भाई, अपना सामान देख कर निकलो और पूरा सामान कैरी करो, तो ये हो गई पहली मिस्टेक इस ट्रिप। ठीक है, आगे चलते हैं और मिस्टेक से बचेंगे इंशाल्लाह। पूरी भाई प्रो को बताया, देखो भाई हमें रोक लिया था, हम चढ़े मोटर जरा ये देख लो भाई, ये बंदा साथ है, हम चढ़े मोटर वे के ऊपर चुपके से साइड से निकल के, अब चढ़ तो गए वहाँ से, फिर हमें एकदम काटा थोड़ा सा के जो है ना थोड़े से स्नैप वगैरह ले लें, तो हमने मोटर वे पर स्नैप भी लिए, बाइक भी चढ़ाई है, बाइक के भी स्नैप लिए अच्छे अच्छे, तो उसके बाद फिर मोटर वे पुलिस ने हमें बड़े प्यार से समझाया कि भाई ऐसा काम करो कि आपको कहाँ जाना था, हम कहाँ जा रहे हैं भाई, हमें जाना था छतर प्लेन, हमें छतर प्लेन जाना था। अभी छतर प्लेन जाते जाते रास्ते में ना हमें ये मिला बजना, तो ये बजना में भी ना बड़ी कोई खूबसूरत वादी है और बच्चे यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं इस साइड पर, और दूसरी चीज़ ये है कि उस तरफ जो है ना इससे भी अच्छा मंजर है ये, और ये जितने भी जो प्लेसेस हैं ना वो जो हमें दिखाने वाले बंदा है ना, वो ये है वो मुजरिम जो हमें सारी जगहें दिखा रहा है, और हमारी जो हमारी ख्वाहिशात थी ना, मतलब वो सारी पूरी कर रहा है, वो ये मुजरिम बंदा, तो बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। और वो जो पहाड़ है ना, वो वाला पहाड़ देख रहे ऊपर वाला, वो नज़र आ रहा है, वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग, हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, भाई ये पानी का प्रेशर तो आप देख रहे होगे, हम टांडा में इस वक्त बैठे हुए हैं, अब हम मैंने कहा था कि अभी हम ज़रा नीचे का विज़िट कर लें थोड़ा सा, तो जगह देखें कितनी खूबसूरत है, अब चलता हूँ मैं ब्रिज की तरफ, जाते हैं ब्रिज की तरफ, थोड़ी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। तो यार ये बहुत खूबसूरत जगह है, जब भी इस तरफ आओ तो ये टांडा ज़रूर देखो, जो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, मुझे विज़िट किया, चलते जगहें चीज़ें मिल रही हैं, मैं आप लोगों के लिए सब जगह कैप्चर कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आपको इन जगहों का भी पता चले, जो बहुत सारे लोग इसकी जगह को स्किप कर जाते हैं, नहीं एक्सप्लोर करते, तो मेरा वही हमेशा की तरह एक प्लान होता है कि अनएक्सप्लोर्ड को एक्सप्लोर करूँ, जो जगह लोग नहीं शो करते, मैं उसी मोटिव से यहाँ पर आया था, क्योंकि मेरे चैनल की सबसे अलग बात यही है कि मैं इसी कोशिश करता हूँ कि भाई जो चीज़ें लोग नहीं दिखाते हैं वो दिखाऊँ, तो अभी तो फ़िलहाल व्यू बस यही है, आप पानी देख लो और अब चलते हैं आई उसकी तरफ भाई। ये आ गया है टांडा वाला ब्रिज, जो मैं आपको दिखा रहा था कि चलते हैं ब्रिज के ऊपर, और ये इसकी खूबसूरती है, और अब हम जा रहे हैं ब्रिज की तरफ, ऊपर की तरफ देखते हैं फिर ब्रिज से कैसा व्यू आता है, और ये देखें
गायें घास खाती है और बैल घास खाता है, ठीक है आगे चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई मंजर देखो, खूबसूरत ब्रिज। ये इस वक्त जो है वो हम भटग्राम और गिलगित के रस्ते पर हैं, अपना ब्रिज चला था, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर खूब मज़े से। पानी देखो साथ बच्चों के साथ ही देखिए, पानी खूब मज़ेदार भाई। और ये देखें, ये है हमारा मुल्क पाकिस्तान और खूबसूरत है, खूबसूरत है। ये ब्रिज है इस पर मैं खड़ा हूँ, वो हमारे पार्टनर के लिए। पानी का प्रेशर देखो यार, वो वाली जगह पर, वो जहाँ बच्चे ना आए, पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और ये टांडा ब्रिज, हाँ तो भाई ये ज़िला मानसेरा है और यहाँ मानसेरा में मेरे कुछ दोस्त बने हैं छोटे छोटे बहुत अच्छे, जिनके साथ मैंने और इन्जॉय किया, अंदर पानी वानी की तरफ भी गए, बड़ा मज़ा आया। तो तुम्हारा नाम क्या है भाई? ये मोहम्मद आबिद हैं और आप? ये यासिर है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। इसकी स्माइल देखो कितनी खूबसूरत है, ज़रा ये शर्मा गया। और ये तुम्हारा नाम? ये असद भाई हैं। और ये भाई, ये बनारस भाई, ये बनारस चौक, मतलब इसके बाद नहीं ये जो है ना बनारस को पता है ये बनारस चौक कैसी है। और ये देखो इसकी टोपी देखो, ये साजिद की स्माइल चेक करो बस। चलो जल्दी से टाटा करो सबको और बताओ ये, और बोलो कि यार हमारे इलाके मानसेरा में आना चाहिए लोगों को, नहीं चाहिए सबको भाई, सबको आना चाहिए। ये बोलने के मानसेरा में सबको आना चाहिए, बहुत अच्छी जगह है और बच्चे बड़े अच्छे हैं यार, मुझे बड़ा मज़ा आया इनका एंजॉय करके। नीचे भी गए हमने, तफरी भी की बहुत ज़्यादा। और अब चलते हैं, चलो टाटा करो सबको, बाय बाय। चलो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।